हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में कंटिन्यू करने वाले हैं। कल हमने डिफरेंशियल इक्वेशन का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कर लिया था। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्लास 12th पार्ट 2, डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर नंबर 1, उसमें से एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4। चलिए शुरुआत करते। इट इज अ वेरी स्पेशल एग्जाम्पल। हमें फंक्शन दिया है और इस फंक्शन के इनवर्स का डेरिवेटिव, लेट अस अंडरस्टैंड, एफ का जो इनवर्स है वो होता है एफ इनवर्स। एफ जो है वो एक्स के ऊपर वर्क करता है, क्योंकि ये डोमेन के ऊपर वर्क करेगा। अगर मैं इसे डोमेन मानता हूं और इसे मैं अगर कोडोमेन मानता हूं, तो एफ जो फंक्शन है वो डोमेन के ऊपर वर्क करेगा और डोमेन के ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क करेगा और हमें आंसर मिलेगा वाई। इसके एग्जैक्टली उल्टा जो है वो एफ इनवर्स, मतलब एफ जो है वो एक्स के ऊपर वर्क करता है और हमें आंसर मिलता है वाई। एफ इनवर्स जो है वो इमेज के ऊपर वर्क करेगा और हमें डोमेन तक लेके जाएगा ऑब्जेक्ट के ऊपर। मतलब क्या, एफ इनवर्स वर्क करता है वाई के ऊपर और हमें आंसर मिलेगा एक्स। नाउ दिस इज वेरी सेंट्रल आइडिया ऑफ व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ। ओके, अब अगर ऐसी चीज है तो इधर ध्यान दीजिए आप लोग। एफ इनवर्स कैन बी रिटन एज 1/f, राइट। नाउ इन द सेम वे एफ इनवर्स वर्क ऑन वाई एंड एफ वर्क्स ऑन एक्स, राइट। नाउ यू जस्ट टेक द डेरिवेटिव ऑफ दिस वन। इसका अगर हमने डेरिवेटिव ले लिया तो यहां डैश लग जाएगा, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे तो यहां डैश लग जाएगा। नाउ दिस इज द व्हाट वी कैन कॉल वेरी स्पेशल टर्म और फॉर्मूला, जिसके हेल्प से हम इसे सॉल्व करने वाले हैं। अब आप ध्यान दीजिए, हमें फाइंड आउट करना है एफ इनवर्स, मतलब जो इनवर्स है उसके डेरिवेटिव की वैल्यू एट -2। इसका मतलब ये जो वैल्यू है -2, ये होना चाहिए हमारा वाई, राइट। ये जो -2 है ये होना चाहिए हमारा y। और हमें, लेकिन अगर हमें y चाहिए तो एक्चुअली हम इसे यूज करने वाले 1/f' ऑफ x। तो हमें 1/f' ऑफ x हम वैल्यू निकालने वाले। तो सॉल्यूशन अगर हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे, fx = x³ + x - 2। ऑन डिफरेंशिएटिंग विल गेट f' ऑफ x = 3x² + 1। लेकिन हमें क्या चाहिए, 1/f' ऑफ x। इसका मतलब 1/f' ऑफ x = 1/3x² + 1, राइट। लेकिन हमें ये जो वैल्यू है निकालना है, कब निकालना है, व्हेन दिस y इज इक्वल टू -2। नाउ वी वांट टू फाइंड आउट दिस वैल्यू व्हेन y इज इक्वल टू -2। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, अब हम क्या करेंगे, हमें y की जब वैल्यू -2 है तब x की वैल्यू निकालना है। जब y की वैल्यू -2 रहेगी तब x की वैल्यू निकालना है। मतलब क्या, अब हम गिवन इक्वेशन y इक्वल्स टू कितना है, y इक्वल्स टू -2, देन f ऑफ x की जगह हम -2 पुट कर देंगे, क्योंकि f ऑफ x ही y होता है। दिस इज इक्वल टू x³ + x - 2। नाउ ऑन सिंप्लीफाइंग दिस, ये -2 - 2 कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से, ओके? और हमें मिलेगा x³, और वी कैन से -2 लेफ्ट में जाएगा, +2 होगा, आपको मिलेगा x³ + x = 0। नाउ इसका जो हमें आंसर है वो क्या मिल सकता है, x² + 1 = 0। इसका मतलब हमें x का जो आंसर है वो कितना मिलेगा, 0, या फिर हमें x की वैल्यू मिलेगी √-1। अब क्योंकि ये रियल नंबर नहीं है, ये रियल नंबर नहीं है, इस वैल्यू को हम डिस्कार्ड कर देंगे। इस वैल्यू को हमने डिस्कार्ड कर दिया। अब हमारे पास ऑप्शन क्या बचा है कि जब x y की वैल्यू -2 होगी, x की वैल्यू मिलने वाली है 0। व्हेन y इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू 0। नाउ व्हाट विल डू, क्योंकि f इनवर्स ऑफ -2 यहां पर हम लिखेंगे, देयरफॉर f इनवर्स इस चीज का डेरिवेटिव मतलब डैश एट -2 विल बी इक्वल्स टू 1/f' ऑफ x। लेकिन जब
y की वैल्यू माइनस टू है, x की वैल्यू कितनी है हमारी जीरो, तो f डैश ऑफ जीरो निकालेंगे। इसका मतलब हम 1 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 1 इसकी वैल्यू निकालने वाले हैं एट x इक्वल्स टू 1। तो हमें जब x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे यहां पर तो हमें मिलेगा 1 अपॉन 3 इंटू 1 प्लस 1 मतलब 1 अपॉन 4। ओके सो इसका मतलब ये जो हमें निकालना था f इनवर्स के डेरिवेटिव की वैल्यू एट माइनस टू वो आ जाएगी 1 अपॉन 4। ओके दिस इज अ वेरी स्पेशल एग्जाम्पल। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 5, यूजिंग डेरिवेटिव्स वी हैव टू प्रूव दैट tan inverse of x plus cot inverse of x is equal to pi by 2. Let us do it. Solution for the first thing. जो भी लेफ्ट हैंड साइड है tan inverse of x plus cot inverse of x, इसे हम y या fx से डिनोट करेंगे। So let us consider let f of x equals to tan inverse of x plus cot inverse of x. Now what we'll do, we'll differentiate this equation. Now differentiating both sides with respect to x, we should get f dash of x equals to, we know that derivative of tan inverse of x is 1 upon 1 plus x square. Okay, and derivative of cot inverse of x is minus 1 upon 1 plus x square. It means derivative of f, that is f dash of x, is 0. Okay, now we also know that when a function has its derivative constant, it has to be a constant function. It means this is a constant function. Therefore, f of x is a constant function. Right? If it is a constant function, agar ye constant function hai, iska matlab hum ye jo f of x hai, therefore we can consider f of x equals to some constant k, right? हम इसको कोई constant ले सकते हैं ना, k करके, k, c, any constant. इसका मतलब function पक्का कोई भी constant है, right? अब constant function का मतलब क्या होता है कि आप ये जो object है उसको change करिए लेकिन answer जो है वो k ही रहने वाला है. आप x को change करिए लेकिन k की जो value है वो same रहने वाली है. अगर हम constant function का graph देखने की कोशिश करें, f of x equals to k का मतलब क्या है कि अगर मैंने f of 1 ले लिया तब भी मुझे k मिलेगा, अगर मैंने x की जगह 2 पुट कर दिया तब भी मुझे k ही आंसर मिलेगा. सपोज हम एक ड्रॉ करके देखते हैं, f of x is equal to 3, इट इज अ कांस्टेंट फंक्शन. अब इसमें क्या होने वाला है, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3. इमेज इज ऑलवेज 3, वॉट एवर द वैल्यू ऑफ x इज, इमेज इज ऑलवेज 3. इट मीन्स इफ यू टेक 1 अगेन द इमेज विल बी दिस, इफ यू टेक 2 अगेन यू विल हैव इमेज हियर, if you take 3 again you will have image here, if you take 4 again you will have image here, and this will form the curve. ye jo hai, ye jo humne line banayi hai, this represents a constant function f of x equals to 3. yahan se kya samajh mein aa raha hai hame ki humne koi bhi object le lijiye, aap x ki value kitna bhi change kar dijiye, y jo hai wo hamesha constant rehne wala hai. yahan se hum ek cheez sikhne ko mil rahi hai, wo cheez ye hai ki हमने अभी f of x को कंसिडर किया है कि हमने f x को कंसिडर कर दिया कि अगर हमने जीरो भी ली x की वैल्यू तब भी आंसर जो है वो k आने वाला है. देयरफॉर वी कैन टेक x इक्वल्स टू जीरो. अगर x इक्वल्स टू जीरो लिया तब भी k की वैल्यू, हमें f of x की वैल्यू क्या मिलेगी, दैट इज f of जीरो इक्वल्स टू k. ये हमने ला लिया, f of 0 जो है वो k आ गया. लेकिन f of 0 क्या होगा, तो ये जो f of x है उसमें हम 0 वाले पुट कर देंगे. दैट इज tan inverse of 0 प्लस cot inverse of 0 शुड बी इक्वल्स टू दैट कांस्टेंट k. ओके बट व्हाट इज tan inverse of 0, इट इज 0. व्हाट इज cot inverse of 0, इट इज pi by 2. ओके एंड दिस इज इक्वल टू k. It means, therefore, k is equal to pi by 2. But what is k? What is k? K is f of 0. Therefore, this value, f of x. Therefore, f of x, क्योंकि हमने f x को k ले लिया था. और f of x कितना आ जाएगा हमारा? तो, that is k, and this is equal to pi by 2. तो, इस तरह से हमने ये solution निकाल लिया है. Done?
ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल. एंड दिस एग्जांपल इज sec इनवर्स ऑफ x प्लस cosec इनवर्स ऑफ x. वी हैव टू प्रूव दैट इट इज इक्वल्स टू पाई बाई टू. लेट अस डू दिस सेकेंड वन अगेन. जो भी लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम कंसिडर कर लेंगे f of x. दिस एग्जांपल इज सिमिलर वन टू व्हाट वी हैव डन अर्लियर वन. सेकेंड एग्जांपल फर्स्ट की जैसा ही है. तो पहले हम इसे कंसिडर कर लेंगे. लेट f of x इक्वल्स टू sec इनवर्स ऑफ x प्लस cosec इनवर्स ऑफ x. नाउ लेट अस डिफरेंशिएट दिस. सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x वी शुड गेट f डैश ऑफ x इज इक्वल टू, वी नो दैट डेरिवेटिव ऑफ sec इनवर्स ऑफ x इज 1 अपॉन x इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ x स्क्वेयर माइनस 1. एंड डेरिवेटिव ऑफ cosec इनवर्स ऑफ x इज 1 अपॉन x इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ x स्क्वेयर माइनस 1. नाउ अगेन हियर ऑल्सो वी हैव f डैश ऑफ x इक्वल्स टू 0. इट मीन्स देयरफॉर f of x is a constant function. Is a constant function. Okay. Therefore we have f of x is equal to some constant k. Right. Therefore we also have f of 0 equals to k. Because if it is a constant function, we can have any value of x. अगर ये constant function है तो हम x की कोई भी value ले हमें answer जो है वो k ही मिलेगा. Right? तो अब एक काम करेंगे, हम फिर से इस function में x के जगह पर put करेंगे 0. So therefore we have sec inverse of 0 plus cosec inverse of 0 will be equals to k. Okay? Now, what is cosec is 1 upon sin. Sin 0 is 0. It means cosec inverse of 0 is 0. And cos 90 is 0. So, sec inverse of 0 should be equals to pi by 2. So, this is pi by 2 plus 0 equals to some constant k. That is, k is equal to pi by 2. But what is k? K is f of x. That is, f of x is equal to pi by 2. But what is f of x? F of x is sec inverse of x plus cosec inverse of x. Okay, and this is equal to pi by 2. Hence proved. तो हमने प्रूव कर दिया. चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 6. What is question number 6? Differentiate the following functions. पहला जो फंक्शन है वो दिया है हमें tan inverse of log x. Now we are doing question number 6 and the question is differentiate the following functions. And the first question is tan inverse of log x. This is the first function. Okay, so let us do it now. Solution. Let us consider this as f of x. Let f of x is equal to tan inverse of log x. Therefore, f dash of x should be equals to, differentiating both sides with respect to x, we should get f dash of x is equal to, we know the derivative of tan inverse of x is, tan inverse of x ka derivative jo hai wo kitna hota hai, this is equal to 1 upon 1 plus x square, right? लेकिन यहां पर x की जगह कितना है, log x. तो हम बिल्कुल x की जगह log x पुट कर देंगे तो हमें मिलेगा 1 अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर. राइट, बट x की जगह log x है, इट इज अ कॉम्पोजिट फंक्शन. तो जनरल के हिसाब से इसका भी हमें डेरिवेटिव लेना पड़ेगा. देयरफॉर इनटू डेरिवेटिव ऑफ log x. ओके, सो वी शुड हैव 1 अपॉन 1 प्लस log x स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 बाय x. तो हमें आंसर मिलेगा 1 अपॉन x इंटू 1 प्लस log x होल स्क्वायर. दिस इज आवर आंसर, दैट इज f डैश ऑफ x. देयरफॉर f डैश ऑफ x इज दिस एंड लेट अस पुट इट इन द बॉक्स. इट्स अ वेरी सिंपल वन. ओके, व्हाट वी आर डूइंग इज दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ द इनवर्स डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मूला, सॉरी इनवर्स डिफरेंशियल फॉर्मूला, दैट इज दिस tan inverse of x का डेरिवेटिव 1 upon 1 plus x square. So, in place of x we have here log x. तो कुछ भी नहीं करना है आपको, x की जगह log x put कर देना है और फिर log x का डेरिवेटिव मल्टीप्लीकेशन में ले लेंगे हम.
It's very simple one. Let us do the next example. Which is the next example? That is cosec inverse of e to the power x. The next example is cosec inverse of e to the power x. Cosec inverse of e to the power x. Is it e to the power x? No, it is minus e to the power x. So let us start the solution. We'll start with by considering this as y. Let y or f of x, we can consider it. Let f of x equals to cosec inverse of e to the power minus x. Now, differentiating both sides with respect to x, we get f of x will become f dash of x, and again derivative of cosec inverse of x. Derivative of cosec inverse of x. We need this cosec, which is minus 1 upon minus 1 upon x into root x square minus 1. So let us use this. Minus will have here 1 upon x in place of x. What we'll have is e to the power minus x, e to the power minus x into square root of e to the power minus x square minus 1. Okay, and then derivative of e to the power minus x into derivative of e to the power minus x. Ek baar dekh lijiye carefully. Cosec inverse of x ka derivative hota hai minus 1 upon x into root x square minus 1. लेकिन यहां पर x के जगह e to the power minus x है, हमने as it is put कर दिया. ओके, और e to the power x का minus x का डेरिवेटिव भी साथ में लेना है. चलिए सिंप्लीफाई करेंगे इसको. माइनस फिलहाल हम एज इट इज लिखेंगे. डिनोमिनेटर में कुछ देर इज नथिंग मच टू सिंप्लीफाई. जस्ट ओनली वन स्टेप. दिस e to the power minus x, दिस कैन रिटन एज e to the power minus 2x minus 1, एंड देन डेरिवेटिव ऑफ e to the power x इज माइनस e to the power minus x. Now, if you observe this e to the power minus x and e to the power minus x gets cancelled, this minus and this minus becomes plus, and what we are left with is this one, e to the power minus 2x minus 1, and this is nothing but the required derivative. So f dash of x becomes 1 upon root e to the power minus 2x minus 1. Okay, let us move to the next example, which is cot inverse of x cube. Cot inverse of x cube. Let us do the third example. Cot inverse of x cube. Cot inverse of x cube. Let me verify if it is plus x cube, minus x cube. Yes, it is x cube. So let us start the solution by considering let f of x equals to cot inverse of x cube. Okay, now we need a derivative of cot x. Derivative of cot inverse of x is minus 1 upon 1 plus x square. Okay, so now differentiating both sides with respect to x, we get f dash of x equals to minus 1 upon 1 plus, in place of x square, हमें मिलेगा x cube का square into जिसे हमने x consider किया, मतलब x cube का derivative. This is equal to minus x cube का derivative बन जाएगा 3x square, तो इसे हम यहां पर लिख लेंगे और हमें मिलेगा 1 plus x to the power 6. There is nothing common in between the numerator and denominator, so that this remains our final answer. So we have f dash of x as minus 3x square upon 1 plus x to the power 6. Let us move to the next example, which is cot inverse of 4 to the power x. Cot inverse of 4 to the power x. Cot inverse of 4 to the power x. This is, we are doing fourth example. 4 to the power x. Let us solve this. Again, the same thing. Let us consider. Let this be equals to f of x equals to cot inverse of 4 to the power x. Is it plus or minus? It is plus. Okay. Now, differentiating both sides with
respect to x, we get f of x will become f dash of x. Okay, cot inverse of x has derivative minus 1 upon 1 plus x square. So let us write minus 1 upon 1 plus x square. Now in place of x square we'll have 4 to the power x square, whole square. Okay, and then into derivative of what have we considered as x, it is the 4 to the power x. Humne kisko x consider kiya, 4 to the power x ko, to uska bhi derivative lena padega. Into derivative of 4 to the power x. Now what is derivative of a to the power x? Derivative of a to the power x is a to the power x log of a. Okay, so we'll have it as minus 1 upon 1 plus, this can be written as 4 to the power 2x. Okay, a to the power m to the power n equals to a to the power m into n. What is this? Lots of indices. Okay, and this 4 to the power x, this can be written as 4 to the power x into log of 4. Now, we can just write it as it is. We'll take this in the numerator here. Minus 4 to the power x into log 4 upon 1 plus 4 to the power 2x. Nothing to simplify. Let us keep it as it is. So, this is our final answer. That is f dash of x. Okay. So, now let us do the next example. Which is this one? Tan inverse of root x. Tan inverse of root x. Now, we are going to the fifth example. Which is that one? Tan inverse of root x. Fifth example. Tan inverse of root x. Let us consider again. Let f of x equals to tan inverse of root x. Now, differentiating both sides with respect to x, we get f of x will become f dash of x. This is equal to tan inverse of root x. Again, derivative of tan x, tan inverse of x is derivative of tan inverse of x is 1 upon 1 plus x square. Now in place of x we have root x, that is only the difference. Okay, so 1 upon 1 plus root x ka square into derivative of root x. Okay, now square of root x will become x. Okay, so we have 1 upon 1 plus x into derivative of root x will give us 1 upon 2 root x. Okay, so again what do we have here? 2 ko hum samne lekar aayenge, ये रूट एक्स ऐसा और ये हो गया 1 प्लस एक्स. वी कैन टेक रूट एक्स, मतलब दिस इज द फाइनल आंसर. रूट एक्स जनरली हम कॉमन ही निकालते हैं, सो वी कैन कीप इट एज आंसर. ओके, देयर इज नो इशू इन दिस. सो एफ डैश ऑफ एक्स हमारा फाइनल आंसर होंगे. इट्स वेरी के जो भी फॉर्मूले हैं, कंपोजिट इनवर्स फंक्शन फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम. इसके पहले हमने देखा था लास्ट वीडियो में कि कंपोजिट फंक्शंस के डेरिवेटिव किस तरह से लिए जाते हैं. अभी भी हम कॉम्पोजिट फंक्शंस के ही डेरिवेटिव्स निकाल रहे हैं. बस फर्क इतना है कि फंक्शंस के जगह यहां पर इनवर्स फंक्शन है. एक्सक्यूज मी. नेक्स्ट वन, साइन इनवर्स ऑफ रूट वन प्लस एक्स स्क्वेयर. जस्ट मिनट, दिस वन. Sine inverse of root of 1 plus x square upon 2, and we are doing example number 6. Sine inverse of root 1 plus x square upon 2. Let me check it one more time. Yes. Now iska derivative nikalna hai hame. Sine inverse of x ka derivative hota hai, sine inverse of x ka derivative milega hame 1 upon root 1 minus x square, right? Root 1 upon 1 minus x square. So, solution start karenge. Let us consider this as f of x. Let f of x is equal to sine inverse of root 1 plus x square upon 2. Differentiating both sides with respect to x, we get. Kya milne wala hai hame? F jo hai wo ban jayega f dash of x. Correct? अब यही फॉर्मूला हमें यहां यूज करना है. सिर्फ एक्स की जगह कौन आने वाला है? ये फंक्शन आएगा. इसका मतलब 1 अपॉन 1 प्लस ये जो भी है एक्स
सॉरी यहाँ पर प्लस नहीं, यहाँ माइनस होना चाहिए, वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू, और इसका बनने वाला है स्क्वायर, इसका बनने वाला है स्क्वायर इन टू, अब जिसे हमने एक्स कंसिडर किया उसका भी डेरिवेटिव, मतलब रूट वन प्लस एक्स एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू का भी डेरिवेटिव। ओके सो अब यहां पर क्या मिलेगा हमें, ये जो है रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलना चाहिए वन अपॉन वन माइनस वन प्लस एक्स अपॉन टू, अब इसे ब्रैकेट में डालना बहुत जरूरी है, इन टू डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स वन अपॉन टू रूट जैसा का वैसा वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू, अगेन फिर से हमने जिसको एक्स कंसिडर किया है उसका डेरिवेटिव, व्हाट वी आर डूइंग इज चेन रूल लगा रहे हैं बार बार। फिर से इधर देखेंगे आप लोग ध्यान, साइन इनवर्स जो है वो रूट का फंक्शन और रूट जो है वो वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू का फंक्शन, तो एक बार हमने साइन इनवर्स का डेरिवेटिव लिया, फिर हमने एक बार रूट का डेरिवेटिव लिया, अब हम रूट के अंदर जो है उसका भी डेरिवेटिव ले रहे हैं, इसका मतलब इन टू डेरिवेटिव ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू, अब इसलिए किसी का और का फंक्शन नहीं है तो यहां चीजें खत्म हो जाएगी। ओके चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये जो है ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस वन बनेगा, पहले तो ये वन अपॉन टू इन टू वन टू माइनस वन माइनस एक्स अपॉन टू, तो ये जो डिनोमिनेटर का टू है मैं इसको ऊपर लेके चला जाता हूं, इन टू इन टू, अब ये जो है रूट टू, ये रूट के अंदर है, ये रूट के अंदर है। ओके नाउ कैन आई, व्हाट कैन आई डू विद दिस वन, इसको कुछ नहीं करते हम फिलहाल, वन अपॉन टू रखता हूं मैं यहां पर, वन अपॉन रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट नहीं, तो इसको नेक्स्ट स्टेप और बाद में करेंगे हम, एक और स्टेप बाद में लेंगे, इंटू नाउ वन प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, वन का डेरिवेटिव जो है इसको हम वन बाई टू कॉन्स्टेंट निकालेंगे, वन का डेरिवेटिव बन गया जीरो, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा टू एक्स। ओके अब हम सेकेंड लास्ट स्टेप पर, इसके बाद सिर्फ एक स्टेप बचेगा। ओके तो यहां पर लिखते हैं हम सेकेंड लास्ट स्टेप। ओके देखिए बच्चों, टू माइनस वन बनेगा वन, अच्छा तो ये टू टू पहले कैंसिल कर लेते हैं हम। ओके एक्सक्यूज मी, तो हमने ये टू टू कैंसिल कर लिया, तो अब आप यहां पर मिलेगा वन अपॉन वन माइनस एक्स, राइट, यस वन अपॉन वन माइनस एक्स, ये मिल गया हमें फर्स्ट फैक्टर, ये फर्स्ट फैक्टर मिल गया, और देन यहां पर जो है वो रूट टू, हम इसको ऊपर लेके जा सकते हैं, तो व्हाट वी विल हैव इज रूट टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, अगेन रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर रादर, एंड देन दिस टू टू अगेन गेट्स कैंसिल एंड व्हाट वी आर लेफ्ट विद इज एक्स, तो इसको यहां पर एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब एक काम कर सकते हैं यहां पर, इसको ये इसकी भी जरूरत नहीं है, ये ब्रैकेट की भी जरूरत नहीं है और इसकी भी जरूरत नहीं है, यस ऐसा कर सकते हैं इसको, तो दिस शुड बी आवर फाइनल आंसर, रूट टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ओके नाउ रिमेन अगेन देयर आर वन टू थ्री फोर एग्जांपल्स, लेट अस ट्राई, गिव इट अ ट्राई, एंड दिस इज एज होमवर्क। ओके and then in the next video we'll be continuing with the example, question number 7, in the question number 7 we'll be doing this in the next video. Okay, question number 7 we'll start with. So thank you very much for watching my video, do like, comment and subscribe. Thank you.